हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 5 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि योगी इनाया से अपने दिल की बात कह देता है और योगी को ये भी पता होता है कि इनाया भी उससे बहुत प्यार करती है। तो योगी इनाया से एक चांस मांगता है ताकि वो दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके, पर इनाया उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है तुम भी अकेला फील कर रहे हो और मैं भी अकेला फील कर रही हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं है। इस अकेलेपन को प्यार का नाम मत दो, बस हम दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। और इनाया ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वेल, इनाया योगी को इसलिए ठुकराती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती और वो प्यार पर फिर से भरोसा करना नहीं चाहती, क्योंकि उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो सब सिर्फ प्यार की वजह से ही हुआ है। दूसरी तरफ योगी सोया हुआ होता है तो उसे सपने में अपनी मरी हुई गर्लफ्रेंड दिखाई देती है। तो योगी अपनी गर्लफ्रेंड से पूरी तरह परेशान हो जाता है और उससे भीख मांगता है कि वो उसकी लाइफ से बाहर निकल जाए, क्योंकि वो इस तरह नहीं जी पा रहा, उसकी वजह से वो तिल तिल कर मर रहा है और ना ही वो आगे बढ़ पा रहा है और ना ही वो पीछे जा पा रहा है। तो योगी अपने दिमाग से जेनी की सारी यादें मिटाने के लिए जाकर उस पेड़ में आग लगा देता है और कहता है मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मेरा पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि मैं पास्ट में दोबारा वापस जाना नहीं चाहता। मैं भी एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ, लोगों की तरह मैं दूसरे से प्यार करना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मेरी लाइफ दोबारा वापस दे दो। और योगी ये सब कहकर खूब रोने लगता है। अगले सुबह वो लोग नाश्ता कर रहे होते हैं तो अंकल कहते हैं योगी अपने घर में अकेला होगा, पता नहीं उसने नाश्ता किया भी होगा या नहीं। तो इनाया को योगी की फिक्र होने लगती है तो चांसुक कहती है तुम्हें बड़ा योगी की फिक्र हो रही है, क्या तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है? तो इनाया कहती है बकवास करना बंद करो दीदी, हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। कि तभी वहाँ पर योगी आता है और इनाया को अपने साथ चलने को कहता है, पर इनाया जाने से मना कर देती है। तो योगी उसे खींच कर अपने घर लेकर आता है और उसी पेड़ के सामने लेकर आता है और कहता है मैंने इस पेड़ को जला दिया, मैंने अपने पास्ट की सारी यादों को मिटा दिया है ताकि मैं तुम्हारे साथ एक नई लाइफ शुरू कर सकूं, इसलिए अब तुम भी खुद को मत रोको, मेरा हाथ थाम लो और मेरे साथ एक नई लाइफ की शुरुआत करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और मुझे पता है तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती, प्लीज मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा, तुम्हारा साथ निभाऊंगा। तो इनाया भी ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है। तो योगी उसे चुप कराता है और उसे किस कर लेता है और फाइनली ये दोनों एक दूसरे की फीलिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ वन अपने सेक्रेटरी को कहता है कि वो इनाया के बारे में पूरी जानकारी निकाले कि वो पांच साल तक क्या कर रही थी। तो उसका सेक्रेटरी इनाया की पूरी हिस्ट्री उसके सामने रखता है और कहता है इनाया ने 5 साल में बहुत सारे दुख झेले हैं, उसने कोई शादी नहीं की है, वो एक चिकन शॉप चलाती है और उसी चिकन शॉप से अपने पापा का ख्याल रखती है और अपनी परवरिश करती है और उसी से अपना पेट पालती है और इसी तरह इनाया अपनी लाइफ जी रही है। तो हुआन को इनाया की ऐसी लाइफ सुनकर तो हुआन को इनाया के बारे में ये सब जानकर बहुत दुख होता है और उसे अफसोस होता है कि उसकी वजह से इनाया ऐसी लाइफ जी रही है। अगर वो उसकी लाइफ में नहीं आता तो आज इनाया कहीं और होती और वो अपनी लाइफ खुशी तो आज इनाया कहीं और पर होती और अपनी लाइफ खुशी खुशी जी रही होती है। ये सब उसकी वजह से हुआ है जो इनाया ऐसी लाइफ जी रही है। तो हुआन इनाया से मिलने के लिए जाने लगता है तो उसका ड्राइवर किम कहता है आपको इस तरह नहीं जाना चाहिए, वो अपनी लाइफ में खुश है, वो अपनी लाइफ मैनेज कर रही है, अगर आपने उसकी लाइफ में दखल देने की कोशिश की तो शायद बात बिगड़ सकती है। तो हुआन कहता है सब कुछ जानने के बाद मैं इस तरह चुप नहीं बैठ सकता, मुझे उससे माफ़ी मांगनी होगी। और हुआन इनाया से मिलने के लिए चला जाता है। इधर इनाया फिर भी कसम होती है कि वो इस रिश्ते को कैसे चला पाएगी, ऑलरेडी वो एक रिश्ते में धोखे खा चुकी है, अगर इस बार भी उसके साथ कुछ हुआ तो शायद वो सह नहीं पाएगी। तो योगी इनाया की शक्ल देख के ही समझ जाता है कि आखिरकार उसके दिल में क्या चल रहा है। तो योगी इनाया को एक एग्जांपल देकर समझाता है और कहता है अगर हम अपनी लाइफ को इस तरह बैलेंस करके चलेंगे तो हम लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, बस हम दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा और एक दूसरे से बहुत प्यार करना होगा। हम दोनों को पता है हमारे पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है जिसे हम भूल नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें भूलकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएंगे, और बस तुम मुझ पर भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। तो इनाया योगी
योगी की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है और फाइनली उसे योगी पर यकीन हो जाता है। दूसरी तरफ हुआन इनाया से मिलने के लिए आता है, पर इनाया शॉप पर नहीं होती तो हुआन शॉप पर ही उसका वेट कर रहा होता है। दूसरी तरफ इनाया और योगी साथ में आ रहे होते हैं तो योगी इनाया का पीछा ही नहीं छोड़ता। तो इनाया कहती है, मैं घर आ चुकी हूँ, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तो योगी कहता है, मैं तुम्हें घर के अंदर जाते हुए देखना चाहता हूँ। तो इनाया कहती है, तुम कुछ ज्यादा ही बच्चों वाली हरकत नहीं कर रहे। तो योगी कहता है, तुमने अभी मुझे जाना कहा है, मैं तो इससे भी अजीब अजीब हरकत करता हूँ और मैं अपने प्यार के साथ रहने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और योगी इनाया से फ्लर्ट करने लगता है। तो इनाया योगी की ऐसी हरकत देखकर तो पूरी तरह हैरान होती है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों की नोकझोंक भी देखने को मिलेगी कि तभी योगी की नज़र हुआन की गाड़ी पर पड़ती है तो वो सोचता है कि हुआन आखिरकार यहाँ पर क्या कर रहा है। तो योगी हुआन को कॉल करके पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। तो हुआन झूठ बोलता है कि वो उससे ही मिलने आया है। तो योगी कहता है, फिर ठीक है, आओ रेस्टोरेंट में, मैं तुम्हारा वहीं पर वेट करता हूँ। तो हुआन कहता है ठीक है। और उसके बाद योगी इनाया को कहता है, मैं अपने जीजाजी से मिलने जा रहा हूँ, तुम अपने घर जाओ। तो इनाया कहती है ठीक है और इनाया अपने घर चली जाती है। तो इनाया जैसे ही घर पहुंचती है तो वहाँ उसकी मुलाकात हुआन से होती है। तो इनाया हुआन को देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। आगे वो लोग बीच पर जाते हैं तो हुआन इनाया से पूछता है कि उसने उससे झूठ क्यों बोला। तो इनाया कहती है, तो मैं तुम्हें क्या बताती कि तुम्हारी वजह से मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ, तुम्हारी वजह से मैं कहीं की भी नहीं रही, तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स को इतने दुख झेलने पड़े और तुम्हारी वजह से मैं ऐसी हो गई हूँ कि मैं किसी और पर भरोसा नहीं कर पा रही और ना ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ पा रही हूँ, क्या ये बताती तुम्हें। हुआन कहता है, प्लीज मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ झेलना पड़ रहा है। तो इनाया कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम दोबारा मुझसे मिलने यहाँ पर आओ, इसलिए तुम अपनी लाइफ में खुश रहो और मुझे अपनी लाइफ में खुश रहने दो। जिस तरह पहले हम दोनों अपनी लाइफ जी रहे थे उसी तरह अब भी जियो, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी लाइफ में दोबारा इंटरफेयर करो। और जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा, अगर हम रास्ते में कभी अनजाने में मिल जाते हैं तुम मुझसे अजनबियों की तरह बिहेव करना समझे। और इनाया ये कहकर जाने लगती है कि तभी वहाँ पर अंकल आ जाते हैं। तो अंकल इनाया से पूछते हैं ये कौन है। तो इनाया अंकल को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे इनाया अंकल को पूरी बात बताती है। तो अंकल कहते हैं, अपने दिल में इतना बोझ रखना अच्छी बात नहीं है, अगर तुम उससे गुस्सा हो तो जाकर उसे कह दो, अगर तुम अपने दिल पर इतना बोझ रखोगी तो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगी, तुम्हें दूसरों को माफ़ करना सीखना चाहिए। तो इनाया कहती है, उसने मेरे साथ इतना कुछ किया है कि मैं उसे माफ़ नहीं कर सकती, मैं हमेशा सोचती थी जब भी मैं उसे मिलूंगी तो खींच कर उसे एक चमाटा मारूंगी, लेकिन जब मैं उससे मिली मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाई। तो अंकल कहते हैं, अपनी पास्ट की सारी बातों को भूल जाओ और अपने फ्यूचर पर ध्यान दो। वैसे तुम्हें योगी कैसा लगता है, क्या तुम सच में योगी से प्यार करती हो। तो इनाया कहती है, अंकल मुझे नहीं पता, पर योगी बहुत ही अच्छा लड़का है और वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। तो अंकल कहते हैं, तुम्हें दूसरा मौका मिला है, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना, समझे। इधर योगी हुआन का वेट करता है और उसे कॉल करता है कि वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो हुआन मीटिंग का बहाना बनाकर योगी के साथ डिनर कैंसिल कर देता है और वहां से चला जाता है। आगे योगी फिर से इनाया से मिलने जाता है। तो इनाया कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो योगी कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। तो इनाया ये सुनकर हंसने लगती है। आगे योगी कहता है, तुम्हें मुझमें क्या अच्छा लगता है, वैसे मैं बहुत गुड लुकिंग हूँ, किसी भी लड़की को मुझसे आराम से प्यार हो जाएगा। उसके बाद योगी इनाया के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो इनाया योगी का ऐसा रूप देखकर खूब हंसती है। वेल, आपको यहाँ पर इन दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक भी देखने को मिलेगी जो बहुत ही मजेदार होती है। इधर हुआन खूब ड्रिंक करता है इनाया की याद में। उसके बाद वो घर जाता है तो वो अपने घर से ड्राइवर किम को जाते हुए देखता है। तो उसे ड्राइवर किम और अपनी बीवी पर शक हो जाता है कि इन दोनों का कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। आगे रीना फिर से हुआन पर शक करने लगती है कि वो किस लड़की के साथ शराब पी के आया है। तो हुआन उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है, अगर तुम मुझ पर शक कर सकती हो तो मैं तुम पर भी शक कर सकता हूँ। तो रीना कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो हुआन कहता है, तुम इसका मतलब मत समझो वरना तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे इनाया और योगी साथ में खूब मजे करते हैं। योगी इनाया के बिजनेस में उसका हाथ बटाता है और सारे चिकन की डिलीवरी करता है और उसके साथ मिलकर सारे फ्राइड चिकन की डिलीवरी भी करता है और वो दोनों साथ में खूब मजे करते हैं। उसके बाद योगी इनाया को
घुमाने के लिए समुद्र में लेकर जाता है और वहाँ पर वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इधर योगी के पापा पूरा मन बना लेते हैं कि वो अपना सारा बिजनेस अपने बेटे को ही देंगे और ये बात रीना की मॉम को खटक रही होती है। तो वो हुआन को कहती है, हमें कुछ करना होगा कि इससे पहले कि योगी के पापा अपना सारा जायदाद योगी के नाम कर दे, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमारे हाथ एक कठिन भी नहीं लगेगी। तो हुआन ये सब सुनकर सोच में पड़ जाता है कि तभी वहाँ पर योगी के पापा आ जाते हैं। तो रीना की मॉम योगी के पापा के सामने कुछ भी नहीं कहती। आगे रीना की मॉम योगी के पापा को कहती है, योगी को एक लड़की पसंद आई है और मुझे लगता है वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब है। अगर वो लड़की अच्छी निकली तो क्यों ना हम योगी की उस लड़की से शादी करवा दें। तो योगी के पापा कहते हैं, इतनी जल्दी क्या है, हम बिना उसका बैकग्राउंड जाने योगी की शादी उस लड़की से कैसे कर दें। तो रीना की मॉम कहती है, योगी बहुत ही चूसी है, वो इतनी आसानी से किसी भी लड़की के प्यार में नहीं पड़ सकता, उस लड़की में कोई बात तो जरूर होगी, तब ना योगी उससे इतना प्यार करता है। अगर आप इजाजत दें तो मैं उन दोनों के रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो योगी के पापा कहते हैं, और अगर योगी की शादी एक अच्छी लड़की से हो जाएगी तो आपकी भी टेंशन दूर हो जाएगी योगी को लेकर, और आप भी अपनी लाइफ आराम से जी पाएंगे अगर आपकी इजाजत हो तो। तो योगी के पापा कहते हैं, ठीक है जाओ उनसे मिलो। आगे रीना की मॉम योगी से मिलने के लिए जाती है। तो योगी चिकन डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है कि तभी वो रीना की मॉम को आते हुए देखता है। तो वो रास्ते में ही रुक जाता है, उनसे पूछता है कि वो यहाँ पर क्या करने आई है। तो रीना की मॉम कहती है, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती और तुम्हारी चिंता में वो रात भर सो भी नहीं पाते, इसलिए मुझे उनकी बहुत फिक्र होती है। और मैंने सुना है कि तुम एक लड़की को पसंद करते हो, अगर तुम उस लड़की को और मुझे पता चला है कि तुम एक लड़की को पसंद करते हो, अगर तुम उस लड़की को लेकर सीरियस हो तो फिर उस लड़की को मुझे मिलाओ ताकि मैं तुम दोनों की शादी करवा सकूं और तुम्हारे पापा भी तुम्हारे तरफ से निश्चिंत हो सके। तो योगी कहता है, वो ऐसी बात है तो ठीक है। आगे योगी इनाया को अपनी फैमिली से मिलवाने के लिए लेकर जाता है। तो इनाया उसकी सौतेली माँ से अच्छे से मिलती है और अच्छे से बात करती है। तो योगी कहता है, आपको मेरी गर्लफ्रेंड से मिलना था ना, आप मिल ली, अब मैं जाऊँ। और योगी इनाया को लेकर जाने लगता है, पर इनाया योगी को रोक लेती है और कहती है, ये हमसे मिलने आई है, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं। और इनाया योगी को रोक लेती है। तो रीना की मॉम कहती है, ये लड़की बहुत चलाक है, योगी इसके इशारों पर ही नाचता है, मैंने जितना इस लड़की को सिंपल समझा था ये लड़की तो उतनी टेढ़ी है। आगे रीना की मॉम इनाया को कहती है, मंगलवार को योगी के पापा का जन्मदिन है, अगर तुम लोगों के पास टाइम है तो उनसे मिलने के लिए आ जाना, वहाँ पर तुम हम लोगों की तो मंगलवार को डिनर पर आ जाना, वहाँ पर तुम हमारी फैमिली से भी मिल लोगी और योगी के पापा भी तुमसे मिल लेंगे। तो वो लोग कहते हैं, ठीक है हम लोग आएंगे। आगे योगी बहुत सैड होता है और इनाया ये सब नोटिस करती है। तो योगी इनाया को अपनी स्टोरी बताता है कि बचपन में रीना की मॉम उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करती थी, उसे हमेशा अपने आप से दूर धकेलती थी और उससे बदसलूकी भी करती थी और उसका बचपन बहुत ही दुखों से गुजरा है। तो इनाया ये सब सुनकर इमोशनल हो जाती है। तो योगी इनाया को कहता है, तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी ना, अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं होगी। तो इनाया कहती है, चलो एक दूसरे से प्रॉमिस करें कि हम दोनों एक दूसरे को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, चाहे हम लोगों के बीच कितनी भी प्रॉब्लम या परेशानी आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम्स या लड़ाई झगड़ा हो, हम दोनों एक दूसरे को कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो योगी भी इनाया को प्रॉमिस कर देता है और दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। उसके बाद योगी इनाया को चर्च लेकर जाता है और भगवान के सामने कसम खाता है, चाहे उसकी लाइफ में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, वो कभी भी इनाया का साथ नहीं छोड़ेगा। और कहता है, मैं हमेशा अपनी लाइफ से भागता रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एक ऐसी लड़की मिली है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ गुजारना चाहता हूँ, वो हमेशा उसे खुश रखेगा और महफूज रखेगा। योगी ये सारी बातें भगवान को साक्षी मानकर इनाया को प्रॉमिस करता है। तो इनाया ये सब सुनकर खुश हो जाती है। उसके बाद योगी इनाया के फोरहेड पर किस करता है और दोनों एक दूसरे के गले और दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। अगले दिन योगी के पापा हुआन को डांट रहे होते हैं क्योंकि उसने बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम खड़ी कर दी होती है, जिस वजह से बिजनेस को नुकसान हुआ होता है। और इस बात को लेकर योगी के पापा हुआन को खूब डांट रहे होते हैं। तो हुआन कहता है, पापा मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन निकाल लूंगा। और हुआन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। आगे रीना की मॉम योगी के पापा को बताती है कि हुआन आने वाला है, इसलिए आज वो उसके सामने अच्छे से पेश आए और लड़ाई ना करे। तो योगी के पापा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि योगी घर आने वाला है। दूसरी तरफ इनाया और योगी योगी के घर वालों के लिए शॉपिंग करने के लिए जाती है और सबके लिए अच्छे अच्छे तोहफे खरीदती है। तो योगी कहता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, तुम इतनी महंगी महंगी चीजें क्यों खरीद रही हो उन लोगों के लिए। तो इनाया कहती है, मैं पहली बार जा रही हूँ
और मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इनाया उन लोगों के लिए महंगी महंगी चीज़ें खरीदती है। आगे योगी को इनाया के लिए एक ड्रेस पसंद आता है, तो योगी इनाया के लिए वो ड्रेस खरीदने जाता है, पर इनाया मना कर देती है। तो योगी कहता है, क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगी? आगे इनाया उस ड्रेस को पहनती है तो उसमें वो काफ़ी सुंदर लग रही होती है। योगी तो उसे देखकर लट्टू ही हो जाता है। उसके बाद वो लोग रेडी होकर योगी के घर जाते हैं, तो इनाया बहुत ही नर्वस होती है। तो योगी कहता है, तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लोग मेरे लिए उतने मायने नहीं रखते, इसलिए यहाँ के लोगों की बातों को अपने दिल पर मत लगाना, समझी? उसके बाद वो लोग घर के अंदर जाते हैं, तो इनाया जैसे ही हुआन को देखती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। और इधर हुआन भी जब देखता है कि इनाया ही योगी की गर्लफ्रेंड है, उसके तो तोते ही उड़ जाते हैं। और यहीं पर एपिसोड 6 ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।